दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी लोग जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम लोग वर्ल्ड पावर मेड इजी जो हमारी किताब है उस किताब के कुछ अंशों को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जो किताब के शुरुआती सेशंस हैं वो चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग पीछे दी हुई डिक्शनरी को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी और मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर भी किया है। आई वाज सिलेक्टेड एज एन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का आपको दिखता है, जो कि आप सिर्फ 5850 में ले सकते हैं अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। अनअकैडमी पर और भी बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि आपका टीम फोनिक्स बैच है, आपका CET ब्रह्मास्त्र बैच है, 1000 प्लस सिलेक्शंस बैच है, सफलता बैच है आपका। इसके अलावा भी SSC पे बहुत सारे बैचेस हैं। SSC MTS का बैच है आपका, SSC स्टेनोग्राफर का बैच है, SSC CPO का बैच है, आखिरी पड़ाव बैच है आपका, GD बैच है, आखिरी पड़ाव CGL के लिए है, GD के लिए है। इन सारे बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस 26 मई से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CHSL 2019 के टीयर 1 के पेपर्स मिलेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, उनके लिए फॉलोअप क्लासेस मिलेंगी और आपको सारा सब्सक्रिप्शन, एक साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट कंडक्ट कराता है। अगर आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कॉम्बैट में अगर आप 1-3 रैंक लाते हैं तो आपको 1 साल का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। 4-10 रैंक पर 75% सब्सक्रिप्शन, 11-50 रैंक पर 50% स्कॉलरशिप और 51-500 रैंक पर 25% को स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत ही अच्छा मौका है। इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको दोपहर के संडे को 12:00 टेस्ट होता है। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड AMANT इस्तेमाल करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, आपको फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरी 2 क्लासेस होती हैं आपकी अनअकैडमी पर। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास होती है जो कि दोपहर के 1 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। दूसरी क्लास हमारी होती है इंग्लिश मॉक टेस्ट फॉर SSC एग्जाम्स, ये शाम के 5 बजे होती है। इन सारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @AmanTrivedi, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिलेगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए @AmanTrivedi, आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। II आखिरी में लगा देना, आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आप वहां मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम आगे के शब्दों को पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो पहला शब्द हमारा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉग्निटिव शब्द आपने सुना होगा। कॉग्निटिव में जो हमारा रूट वर्ड है वो है कॉग्ना, COGN, कॉग्ना। कॉग्ना का मतलब होता है जानना। तो कॉग्निटिव एबिलिटी अक्सर इस्तेमाल होता है। कॉग्निटिव एक एडजेक्टिव है, तो टर्म होता है कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब हो जाता है कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निट मतलब नोन, तो कॉग्निटिव मतलब हो गया मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड होता है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव। सिनोनिम इसके हो जाते हैं एम्पिरिकल, एनालिटिकल, कोहरेंट, लॉजिकल, रैशनल। सो एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दियर कॉग्निटिव प्रोसेसेस ग्रो दियर कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकम शार्पर। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों को रंग पहचानना सिखाया जाता है, लेटर्स लिखना सिखाया जाता है, तो वो सब चीजें क्या करती हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करती हैं। जैसे ये बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि जब आप बच्चे जो हैं बर्थ टू 2 ईयर्स के होंगे उनको बहुत ही बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, फिर धीरे 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 उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनके मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल स्टेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगला टर्म हमारा होता है कॉग्निजेंट। एक IT फर्म भी है कॉग्निजेंट, आप में से शायद कुछ लोग काम करते हो उसमें। कॉग्निजेंट का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज की नॉलेज होना या फिर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए जो टर्म आता है वो होता है आपका कॉग्निजेंट। ठीक है, तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे अलाइव, एप्रीहेंसिव, अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, सेंसिबल होना। तो मतलब हो गया किसी चीज की नॉलेज होना, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होने को कहते हैं कॉग्निजेंट।
फॉर एग्जाम्पल वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब हमें इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है। तो कॉग्निजेंट का ही एडजेक्टिव होता है कॉग्निज, ऐसी कॉग्निजेंट का ही नाउन होता है कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस कहता है सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ कोविड इशू, यानी कि सुमोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड इशू का स्वतः संज्ञान लिया, तो सुमोटो मतलब बाय इटसेल्फ स्वतः, और कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना। तो कॉग्निजेंस का मतलब हो गया संज्ञान लेना, जानना किसी चीज को, ठीक। अक्सर ये टर्म आपको यहां पर इसी तरीके की हेडलाइंस में न्यूज़पेपर में दिखेगा। अगला टर्म हमारा लिखा है कोहरेंट। कोहरेंट देखिए तीन टर्म अभी तक आपस में बहुत ही कनेक्टेड आ रहे हैं अभी तक। कोहरेंट का मतलब हो जाता है लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो चीज बहुत ही लॉजिकल है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसे कहते हैं कोहरेंट। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर। फॉर एग्जांपल सिनोनिम हो जाएगा एनालिटिकल, कॉन्सिक्वेंट, गुड लॉजिकल, रैशनल, रीजनेबल, सेंसिबल, साउंड, वैलिड, वेल फाउंडेड, वेल ग्राउंडेड। एंटोनिम हो जाएगा इललेजिटिमेट, जो कि लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल, इनकोहरेंट, इनकॉन्सिक्वेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इरेशनल, अनरीजनेबल, अनसाउंड या फिर वीक। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट लैक्स अ कोहरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कोहरेंट कमी है, यानी कि एक लॉजिकल कमी है। एडवर्ब हो जाएगा कोहरेंटली, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपने ये रब ने बना दी जोड़ी जरूर देखी होगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें रब ने बना दी जोड़ी में इसमें शाहरुख खान सिर्फ चश्मा लगा के चले जाते हैं और मुंह हटा के चले जाते हैं, तो अनुष्का शर्मा उन्हें पहचान नहीं पाती, कह रही ये तो मेरा पति ही है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, गिव मी अ कोहरेंट एक्सप्लेनेशन हाउ शी डिडंट रिकॉग्नाइज हर, मतलब गिव मी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि उसने कैसे नहीं पहचाना इसमें, ठीक है, कि मतलब सिर्फ मूछें मुड़ा लेने से अगर मैं कल दाढ़ी बना के आ जाऊंगा तो आप लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोहरेंट मतलब हो जाता है लॉजिकल। अगला है कोलोकियल। कोलोकियल इज अ वेरी फेमस टर्म जो कि आज की तारीख में इस्तेमाल होता है। कोलोकियल एडजेक्टिव है, मीनिंग हो जाता है यूज्ड इन कन्वर्सेशन बट नॉट इनफॉर्मल स्पीच और राइटिंग, यानी कि कोई ऐसी ऐसा शब्द जो कि कन्वर्सेशन में तो बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन राइटिंग में और फॉर्मल स्पीच में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसे कहते हैं कोलोकियल टर्म, ठीक है। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, नॉन लिटररी, अनबुकिश, अनलिटररी, वर्नैकुलर, वल्गर, इस सेंस में हो जाता है। एंटोनिम हो जाएगा बुकिश, फॉर्मल, लर्न, लिटररी। फॉर एग्जाम्पल इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द कोलोकियल टर्म्स, कोलोकियल इडियम्स ऑफ फॉरन लैंग्वेज, यानी कि जो वहां की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी भी एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाता है बनाना है ly लगा दीजिए, कोलोकियली इसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो आपने इस तरीके के टर्म्स अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को सुने होंगे, जैसे लेमी, वाना बी, गिव मी, डोंचा, एंट, गोटा, वाना, गोना, या इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं लाइक कॉज, कॉज लिख देते हैं, कुछ लोग आई नो को आई के साथ में नो लिख देते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम कोलोकियल टर्म्स हैं, यानी कि जो हम बोलने चालने की भाषा में तो डेली इस्तेमाल करते हैं बट फॉर्मल स्पीच ऑफ राइटिंग में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोलोकियल का मतलब हो गया ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स जो कि हम बोलने चालने की भाषा में बहुत इस्तेमाल करें लेकिन वो अगर हम लिखने की बात आएगी तो उनका यूज नहीं करेंगे, दैट्स कॉल्ड कोलोकियल, ठीक है। अगला टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टर्म है, अगला है कोल्यूजन। तो कोल्यूजन में एडजेक्टिव है, कोल्यूजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट होना स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और ट्रिक पीपल, यानी कि साठ गांठ होना, किसी की पर्दे के पीछे से साठ गांठ होना जिससे आप सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे कि इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और ट्रिक पीपल, कुछ गलत करने के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए आपने कुछ साठ गांठ की हुई है, उसे कहते हैं कोल्यूजन, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिसिटी, कनिवेंस, कॉन्स्पिरेसी, इन कहूट्स, हैंड्स इन ग्लव्स, ये सारे इसके इडियम्स हो जाते हैं, मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ऑफिसर्स आर इन कोल्यूजन विद क्रिमिनल्स, तो ऑफिसर्स जो थे वो क्रिमिनल्स के साथ में उनकी साठ गांठ हो रखी थी। अगला है जैसे आपको याद होगा इस सीन में मुन्ना भैया और जो लाला है उनके बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो जाता है, तो मुन्ना भैया वॉज इन कोल्यूजन विद लाला, ठीक है। तो इन कोल्यूजन विद लाला यानी कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट था, एक साठ गांठ थी जिससे वो आपस में डीलिंग्स कर रहे थे, ठीक।
देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखिए अगर आपने वीडियो देखा है तो, और साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ में शेयर करो। मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बट एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो हमारी संख्या है वो बहुत कम है अभी, हम और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा सकें और बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अगला टर्म हमारा क्या है, कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है मैचिंग समथिंग इन साइज इंपॉर्टेंस क्वालिटी एटसेट्रा, मतलब कुछ उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, मीनिंग समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम हो जाएगा कमेंसुरेबल, प्रोपोर्शनेबल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट, एंटोनिम हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट, जो कि उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो कमेंसुरेट का सही सिनोनिम प्रोपोर्शनेट आप याद रख सकते हो। 6 यार्ड इज कमेंसुरेट विद 16 फीट, यानी कि 16 फीट बराबर 6 यार्ड हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, व्हेन पीपल आर हंग्री दे टेंड टू प्रिपेयर मील कमेंसुरेट विद देयर एपेटाइट, यानी कि जब लोगों को बहुत भूख लगी होती है तो हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ खा लेंगे, तो जब लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी एपेटाइट, अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना बनाते हैं, उन इन प्रपोर्शन टू। तो कमेंसुरेट के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, और कमेंसुरेट विद मतलब हो गया कि अपनी भूख के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, अगला टर्म हमारा है आपका कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब हो गया समथिंग दैट मेक्स यू पे अटेंशन टू इट बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग, मतलब कुछ ऐसा जैसे मैं ऐसा थंबनेल लगा दूं कि आपको कंपेल हो जाए, आप मजबूर हो जाए क्लिक करने पे, तो दैट इज कॉल्ड कंपेलिंग। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे कोजेंट, कंक्लूसिव, कन्विंसिंग, डिसाइसिव, इफेक्टिव, फोर्सफुल, परसुएसिव, सेटिस्फाइंग, स्ट्रांग या फिर टेलिंग। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा इनकंक्लूसिव, इनडिसाइसिव, इनइफेक्टिव, अनकंपेलिंग, अनकन्विंसिंग, अनपर्सुएसिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल लूसी हैड नो कंपेलिंग रीजन टू गो इनटू टाउन, लूसी के पास कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं था कि उसे गांव टाउन में जाना पड़े। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट एपिसोड संदीप भैया गेव अ कंपेलिंग रीजन टू हैव अ प्लान बी इन द लास्ट एपिसोड, तो चूंकि फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ एपिसोड में उन्होंने दूसरी बात कही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में ही गेव अ कंपेलिंग रीजन, एक बहुत ही ऐसा रीजन जो कि फोर्सफुल है और आपको बिल्कुल कन्विंस कर देता है, तो कंपेलिंग रीजन दिया कि यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। ठीक है, तो कंपेलिंग मतलब जो आपको फोर्स करे तरीके से। अगला टर्म है कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब हो जाता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफ्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन अ बुक, किसी किताब में आपने कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स लिखे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो आर्ट्स, ड्राइंग, फैक्ट्स वगैरह का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कंपेंडियम। इसके अलावा किसी भी बहुत ही बड़े काम की जो ब्रीफ समरी होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपेंडियम। तो कंपेंडियम के सिनोनिम्स कंपेंडियम, जिस्ट, एक्सट्रैक्ट, एसेंस भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर से बोल देता हूं मैं, कंपेंडियम जिस्ट GIST, एक्सट्रैक्ट EXTRACT और एक्सट्रैक्ट और एसेंस ESSENCE। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, हो जाएंगे एल्बम, एंथोलॉजी, कलेक्टेनिया और कंपाइलेशन, फ्लोरिलेजियम, मिसलेनी और रीडर। फॉर एग्जांपल हो जाएगा द इंसाइक्लोपीडिया इज ट्रूली अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, यानी कि वो कंप्लीट समरी होती है नॉलेज की इंसाइक्लोपीडिया। अगला टर्म हो जाता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाता है टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ और विद द सिचुएशन सो दैट यू डू नॉट फील दैट एनी चेंज इज नेसेसरी शोइंग और फीलिंग कॉम्प्लेसेंसी। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप में से सभी का कल को सिलेक्शन हो जाता है, आप सभी इंस्पेक्टर बन गए, तो उसके बाद आप कॉम्प्लेसेंट हो जाए, यानी कि आप अब निश्चिंत हो गए, अब आपको आगे कुछ नहीं करना जीवन में, सिर्फ नौकरी करनी है, सैलरी उठानी है और शादी करनी है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेसेंट हो जाना, यानी कि बिल्कुल ही पूर्णतया संतुष्ट, अब आपको आगे जीवन में आगे बढ़ने की कोई भी इच्छा नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। सिनोनिम हो जाएगा अपैथेटिक, कैजुअल, डिसइंटरेस्टेड, इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, इनसेंसिबल, इनसॉशेंट, नॉनशैलेंट, परफंक्ट्री। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न्ड या फिर इंटरेस्टेड। सो वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट ऑफ एनी सक्सेस। ठीक है, हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए अपनी सफलता पे। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन है, ये बिल्कुल निश्चिंत हो गया, चिल, अब कोई कुछ नहीं करना, वो आ गया यहां तक इतना काफी है उसके लिए, इसके आगे अब उसे कुछ नहीं करना है, तो कॉम्प्लेसेंट समझ गया क्या होगा। चलिए
अगला टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इस कॉम्प्लीमेंट में ई लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, पूरक होना, एक दूसरे का पूरक होना। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। टू एड टू समथिंग इन अ वे दैट इंप्रूव्स और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, किसी चीज में इस तरीके से एड करना कि वो उसे और अट्रैक्टिव बनाता हो। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट या फिर राउंड। लव इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं कि माधुरी भाभी कॉम्प्लीमेंट्स मुन्ना भैया, माधुरी भाभी मुन्ना भैया को पूर्ण करती हैं और बहुत ही खूबसूरती से पूर्ण करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है आपका जो चीज को पूर्ण करे, एक तरीके से संपूरक या फिर पूरक हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक, याद रखेंगे। अगला टर्म इसी से मिलता जुलता, इसी का होमोफोन है, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट, एल आई आ गया यहां पर। तो ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जैसे शी गेव मी एंड शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। ठीक, और शी कॉम्प्लीमेंटेड मी, मतलब वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट वर्ब हो गया। मीनिंग सेम ही है, किसी को ये बताना, टू टेल समबडी दैट यू लाइक और एडमायर समथिंग दे हैव डन देयर इन अ डन और देयर इन अपीयरेंस। जैसे कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दो कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि किसी को बताना कि उसने बहुत अच्छा काम किया है या फिर वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी तरीके से उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल के तौर पे आप इसे याद रख सकते हो, जैसे कि इस फिल्म में अंदाज अपना अपना में ये कहते हैं ना कि आप पुरुष ही नहीं वहां पुरुष है, तो वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है उसको। ठीक है, ये फनी था थोड़ा सा, मतलब फनी नहीं था, हंसी नहीं आई होगी, लेकिन कहने का मतलब मैंने इसको ऐड किया था इससे आपको याद हो सके। ठीक है, हंसने के लिए नहीं किया था क्योंकि हंसी आई नहीं होगी, तो कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया। अगला टर्म होता है आपका कॉम्प्लिसिटी। तो कॉम्प्लिसिटी से मिलता जुलता वर्ड अभी हमने सिनोनिम में पढ़ा था इसी को अभी पीछे कॉल्यूजन में। तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब हो जाता है द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विद अनदर पर्सन इन क्राइम, यानी कि क्राइम में किसी के साथ में पार्ट लेना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिसिटी। कॉल्यूजन, कनिवांस, कॉन्स्पिरेसी अभी हम पढ़ चुके हैं। जेनिंग्स डिनाइड कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर, यानी कि उसने मर्डर में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन हम पढ़ चुके हैं, मतलब किसी के साथ किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो कॉम्प्लिसिटी का एक और मीनिंग होता है, जैसे कि ये मैंने पोस्टर में लिखा हुआ है साइलेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लिसिटी। तो साइलेंस मतलब ये पोस्टर में कह रहे हैं कि अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर कंप्लाइंग विद देम, यानी कि आप उनके उनके करे गए टॉर्चर या उनके किए गए अत्याचार का आप समर्थन करते हो, ये उसका मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब हो गया, एक अर्थ तो ये हो गया किसी के साथ किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना, तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप चुप हो तो आप उसके क्राइम में इन्वॉल्व हो, आप अगर आवाज नहीं उठा रहे हो, तो इस पोस्टर का मतलब है। कॉम्प्लिसिटी समझ में आ गया होगा, किसी के साथ किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना। अगला टर्म हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो जाता है जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आते हैं आजकल, कि मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, यानी कि इसमें सब कुछ कवर होगा, सारी तरीके से पूरी तरीके से चीजें कवर होंगी, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे कंपेंडियस, कंप्लीट, कवर ऑल, साइक्लोपेडिक, एम्ब्रेसिव, एनसाइक्लोपेडिक, एग्जॉस्टिव, फुल, ग्लोब, इन डेप्थ, इंक्लूसिव, ओमनिवर्स, पैनोरमिक, थॉरो या यूनिवर्सल। और फॉर एग्जांपल शी हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि उसको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। ठीक, एडजेक्टिव इसका ये कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। अगला है कंप्राइज। कंप्राइज के साथ में जो तुम्हें याद रखना है वो ये याद रखना है, कंप्राइज का मतलब होता है बी कंपोज्ड ऑफ, बी मेड ऑफ, मतलब हो जाता है कंसिस्ट ऑफ। इसका जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपका एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा और पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ लगेगा। सिनोनिम हो जाता है कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, मस्टर। 20 चैप्टर्स कंप्राइज बुक वन, यानी कि 20 चैप्टर को मिला के एक किताब बनती है। तो कंप्राइज का मतलब हो जाता है टू बी कंपोज्ड ऑफ, किसी से मिलकर बना हुआ होना। ठीक, अगला टर्म हमारा होता है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी का मतलब हो जाता है कॉन्सिलिएट करना, मतलब होता है समझौता करना। तो कॉन्सिलिएटरी मतलब हो गया हैविंग द इंटेंशन और इफेक्ट ऑफ मेकिंग एंग्री पीपल काम, यानी कि कोई ऐसा, ये बेसिकली एडजेक्टिव है, तो कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा एक्ट जिससे आप एंग्री लोगों को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, That is called conciliatory। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि सरकार से या किसी व्यक्ति से बहुत नाराज हो गया है,
अब सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे कि उन्हें वो खुश करना चाहे तो उसे कहते हैं इट इज अ कंसिलिएटरी मूव, ठीक है, जिससे कि वो उन्हें खुश करना चाहे। ठीक, तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे अपीजिंग, कंसिलिएटिंग, डिसआर्मिंग, मॉलिफाइंग, पैसिफिक, पैसिफाइंग, पीस मेकिंग, प्लैकेटिंग, प्लैकेटरी, प्रोपिशिएटरी, और एंटोनिम हो जाएगा एंटेगनाइजिंग। ठीक है, तो कंसिलिएटरी इज द आर्टिकल स्ट्रक अ कंसिलिएटरी नोट, यानी कि इस आर्टिकल को कंसिलिएटरी नोट पे खत्म होता है, यानी कि एंग्री लोगों को शांत करने की कोशिश करना, नाराज लोगों को शांत करने की कोशिश करना क्या कहलाता है, कंसिलिएटरी। ठीक है, ऑलराइट, अगला टर्म हमारा है आपका कंसाइज। तो कंसाइज का मतलब सभी को पता होगा, बहुत ही से आपका बहुत ही ब्रीफ में होना कुछ, तो कंसाइज इसी के लिए आता है, कुछ बहुत ब्रीफ में होना, गिविंग ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में अपनी बात को कहना, क्या होता है आपका कंप्राइज। सो दिस बुक कंसाइज, बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में अपनी बात को कहना। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, एफोरिस्टिक, एफोथीमेटिक, ब्रीफ, कैप्सूल, कॉम्पैक्ट, कंपेंडियस, क्रिस्प, कर्ट, एलिप्टिकल, एपिग्रामेटिक, लैकोनिक, पिथी, सेंटेंशियस, सक्सिंट, समरी, टेलीग्राफिक, टर्स एंड थंबनेल। एंटोनिम हो जाएगा सर्कुटस, सर्कमलोकेटरी, डिफ्यूज, लॉन्ग वाइंडेड, प्रोलिक्स, रैम्बलिंग, वर्बोस, वाइंडी, वर्डी, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। मेक योर आंसर्स क्लियर एंड कंसाइज, अपने आंसर्स को बहुत ही क्लियर लिखिए और बहुत ही संक्षिप्त में लिखिए, ज्यादा शब्दों में अपनी बात को मत कहिए, तो कंसाइज संक्षिप्त के लिए आता है। अगला टर्म हमारा है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है पीस एंड एग्रीमेंट, ठीक है, शांति और एग्रीमेंट, समझौता होना। सिनोनिम हो जाएंगे चाइम, कॉमिटी, कंपैटिबिलिटी, हार्मनी, पीस, और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसेंशन या वेरियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिज स्पीच डिड नथिंग फॉर रेशियल कॉन्कॉर्ड, यानी कि उसकी जो स्पीच थी उसने रेशियल कॉन्कॉर्ड के लिए कुछ नहीं किया, यानी कि रेशियल जो कॉन्कॉर्ड है, रेशियल पीस एंड एग्रीमेंट है, उसके लिए कुछ नहीं किया, यानी कि जो रंग भेद पे जो भेदभाव होता है रंग के आधार पे, उसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं किया, समझ गए, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रेशियल कॉन्कॉर्ड हो। तो कॉन्कॉर्ड मतलब होता है पीस एंड एग्रीमेंट, जैसे आप याद रख सकते हैं नाउ देयर इज कॉन्कॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब एक ही समय पे होना, जैसे देयर आर सो मेनी कॉन्करेंट इवेंट्स, कॉन्करेंट इवेंट्स मतलब जो एक ही समय पे हो रहे हो, जैसे कोरोना की वेव और बंगाल इलेक्शंस दोनों एक साथ चल रहे थे, तो कॉन्करेंट यानी एक ही समय पर जो घटनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो एक समय पे हो रही है। सिनोनिम हो जाएगा कोइटसनेस, कोवियल, कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टिंग, कोएक्सटेंसिव, कोइंसिडेंटल, कोइंसिडेंटल इसका करेक्ट सिनोनिम है, कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पररी, और ये भी हो जाएगा। देखिए आप लोग को लगता होगा कि मैं कई बार कहता हूँ ये इसका करेक्ट सिनोनिम, बाकी गलत है, बाकी गलत नहीं, बाकी थोड़ा सा फार सिनोनिम है, ये एग्जैक्ट सेम मीनिंग रखते हैं। सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा असिंक्रोनस, नॉन कंटेम्प्रेरी, नॉन स्टिमुलस, साइमल्टेनियस, नॉन सिंक्रोनस, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यू कांट अटेंड टू कॉन्करेंट इवेंट्स, दो एक साथ होने वाले इवेंट्स को आप एक साथ अटेंड नहीं कर सकते हो। कंडेसेंट, कंडेसेंट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग दैट यू थिंक इट इज बिलो योर सोशल और प्रोफेशनल पोजिशन टू डू, जैसे दिस इज कॉन्डेसेंट टू मी, यानी कि ऐसा करना मेरे लिए कॉन्डेसेंट है, यानी कि मेरे प्रोफेशन और मेरे काम को मेरे लिए एक तरीके से नीचे झुकना हो जाएगा, तो उसे कहते हैं कॉन्डेसेंट। सिनोनिम हो जाएगा डाइन या फिर पैट्रोनाइज, शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट कॉन्डेसेंट टू स्पीक टू अस, यानी कि वो इतनी ज्यादा घमंडी है कि वो हमसे बात करने के लिए नीचे नहीं झुकेगी, मतलब वो हमसे बात नहीं करेगी बेसिकली। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी है और हमसे बात करना उसके लिए अब जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आप याद रख सकते हो, जैसे मैं बच्चों से बात नहीं करता, तो इज कॉन्डेसेंडिंग, इसी को कॉन्डेसेंड करना कहेंगे, मतलब मैं बात ही नहीं करूंगा उससे क्योंकि मैं अब उनसे बहुत ऊपर उठ चुका हूं। ठीक है, आई कैन नॉट कॉन्डेसेंड टू दिस, I cannot stoop to this, मतलब stoop नीचे झुकने के लिए भी आ जाता है। नीचे झुकना literally वाला नीचे झुकना नहीं है, नीचे झुकना मतलब पद से नीचे झुकना एक तरीके से। Condone का मतलब होता है ignore करना, to accept behavior that is morally wrong or treat as it were not serious, उसको बहुत ignore करना, overlook करने के लिए आता है condone करना। Ignore, overlook, overpass, paper over, pardon, pass over, remit, shrug off, whitewash, ये सारे इसके synonym रहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट कंडोन वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी प्रकार की हिंसा को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इग्नोर करने के लिए जो सिनोनिम आ जाएगा आप इसको याद रख सकते हो, लाइक ही इज इग्नोरिंग है, जब क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो कंडोन मतलब इग्नोर करना। अगला टर्म हमारा है आपका कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब बहुत ही सेलिब्रियस एटमॉस्फेयर, बहुत ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर, मेकिंग इट इजी पॉसिबल और लाइकली फॉर समथिंग टू हैपन, जो कि बहुत ही इजी हो आपके लिए, बहुत ही फेवरेबल कर दे, उसे कहते हैं कंड्यूसिव। सिनोनिम हो जाएगा फैसिलिटेटिव, सेलिब्रियस, हेल्पफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डे लाइट इज हाईली कंड्यूसिव टू गुड प्लांट ग्रोथ, यानी कि डे लाइट गुड प्लांट ग्रोथ के लिए काफी अच्छी है। सो फॉर एग्जाम्पल आप इसको याद रख सकते हो, दैट मैच स्टिक वॉज कंड्यूसिव टू हाउस बर्निंग डाउन, ठीक है। तो कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल थी। सो यही तक आज का इस वीडियो था, इसमें हमने इन सारे वर्ड्स को पढ़ा। अगर आप लोग में से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 8299117042 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।